नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल जादव, नाशिक और स्वप्निल जादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी एक शख्सियत से आपकी पहचान करवा रहे हैं जिनका नाम हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और वो हमारे फ्रेंड है, बहुत अच्छे करीबी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। तो उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम दर्ज कैसे किया, कौन सा रिकॉर्ड उनके नाम पे हुआ है और ये कब हुआ है, उनकी जो जर्नी थी इस रिकॉर्ड की, उनके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी जानेंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, जल्दी से ये वीडियो शुरू करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे, आपको अगर इंस्पिरेशन मिले, आपको भी अगर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने की इच्छा होगी तो आप भी उनसे कुछ इनपुट्स ले सकेंगे इस वीडियो में, ये मेरा वादा है आपसे। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, उन शख्सियत को आज हम इस वीडियो में हमारे चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे। तो आइए मिस्टर विशाल जी। तो दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं मिस्टर विशाल काटे, और इन्होंने हाल ही में अपना जो एक रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि एक फेमस और रेस्पेक्टेड जो रिकॉर्ड होते हैं इंडिया के पूरे रीजन में जो सराहे जाते हैं, उस ऐसे रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम कैसे दर्ज किया और क्यों किया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल विशाल जी आपसे है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो आपने रिकॉर्ड किया है उसका उसके पीछे की जो स्टोरी है कि आपने कुछ मतलब सोच के ये प्लान करके ये रिकॉर्ड किया था, या फिर ये ऐसे अपने आप मतलब आपको पता चला कि अरे ये रिकॉर्ड हो सकता है, हमने की चलो अप्लाई करते हैं रिकॉर्ड के लिए। तो इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा बताइए कि ये रिकॉर्ड आपने जानबूझ के किया या फिर ऐसे बाय चांस हो गया। नहीं, मुझे शुरू कैमरा में देखिए समथिंग डिफरेंट करने की आदत ही थी। आई एम हैबिचुअल विद समथिंग डिफरेंट। ओके, तो समथिंग डिफरेंट ये मेरा हमेशा से शुरू रहता था। तो एक मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जॉब करते करते मेरा जो काम चालू था, ये काम में मुझे ऐसा लगा कि मैं विजिट पे जाता था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं विजिट कर रहा हूँ इसमें एक रिकॉर्ड बन सकता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फिर वो पूरा ठान लिया, फिर पूरी मेहनत की, और फिर वो रिकॉर्ड जब मेरा पूरा हुआ तो मैंने अप्लाई किया। तो और वन टैगलाइन में कहा जाए तो ये मैक्सिमम रूरल बैंक विजिटेड एज एन इंडिविजुअल ऐसा एक टाइटल है। इंडिया बुक के पास से जब हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये रिकॉर्ड अभी तक किसी के नाम पे है नहीं, तो फिर वो आपको फेलिसिट करते हैं, मतलब वो एक एज ए रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे आपको एक मेडल पूरा पैकेज भेजते हैं जिसमें मेडल होता है, जिसमें एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे वाकई में आपने एक पूरा ये रिकॉर्ड ना अपने नाम पे किया है, ये सब होता है। तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो हम आपको पहले दिखाएं, अनबॉक्सिंग करेंगे ताकि आपको यकीन आए कि सच में विशाल जी के नाम पे कोई ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पूरा पैकेज बाय कुरियर आता है। जब आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो ऑफिशियल उनका ऑफिस होता है वहाँ से ये रिकॉर्ड का पूरा आपके नाम पे एक सर्टिफिकेट, उसके बाद कुछ जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर हम देखेंगे, उसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे। तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पूरा पैकेज कुरियर से आता है, क्योंकि लॉकडाउन है, नहीं तो वो अपने ऑफिस में बुला के ये जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आपको मतलब देते हैं, आपको पूरा सर्टिफाइड करते हैं वहाँ पे लेके। तो ये
सबसे पहले तो ये एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ये पूरा एक बुक होता है, ठीक है। तो इसमें 2021 में जितने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हुए एक साल के अंदर, उसके पूरे रिकॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं, तो वो एक बुक आपके पास आता है। उसके बाद ये खूबसूरत बॉक्स रहता है, खूबसूरत ऐसा एक बॉक्स आता है जो कि ओपन करने के बाद इसमें ये देखिए, ये एक गोल्डन मेडल होता है जिसपे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसा नाम लिखा हुआ होता है, वो आपको इस बॉक्स के अंदर दिया जाता है। या आप ज़रा थोड़ी देर पहन लीजिए हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। ओके, हाँ ये इस तरह से। ओके, तो ये एक सर्टिफिकेट भी होता है, ये दिखाइए अपने हमारे प्रेक्षकों। इस पे इनका, विशाल जी का नाम है और इस पे रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है। हाँ, तो इस पे क्या लिखा है ये भी हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल सर्टिफिकेट, मैक्सिमम रूरल बैंक विजिटेड बाय एन इंडिविजुअल। तो ये रिकॉर्ड की पूरा टाइटल है जिसके अंदर लिखा है कि द रिकॉर्ड फॉर, आप अपने आवाज़ में बोलिए क्या रिकॉर्ड किया है ये समझेगा आपको। द रिकॉर्ड फॉर विजिटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूरल बैंक्स ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वॉज सेट बाय विशाल माणिकराव काटे ऑफ पुणे महाराष्ट्र। ही विजिटेड 290 प्लस रूरल बैंक्स ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट एज कन्फर्म ऑन मार्च 2nd 2021। ओके, तो इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या है ये भी आप विशाल जी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बताइए कि 290 रूरल बैंक्स यानी क्या। इसमें मैं और सिंप्लीफाइड करूँगा, महाराष्ट्र में पुणे एक डिस्ट्रिक्ट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में 15 तालुका या तहसील है और पुणे तहसील में 294 रूरल बैंक है, एक पुणे की बहुत बड़ी बैंक है। वो बैंक हर जगह जाके मैंने विजिट किया है और वो विजिटिंग के मेरे पास प्रूफ है। हाँ, ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ आपने बोल दिया तो नहीं, मेरे पास प्रूफ है। जहाँ भी बैंक में मैं गया वहाँ मेरे फोटो है वो बैंक के बोर्ड के साथ, वो गांव के साथ जहाँ ब्रांच में गांव का नाम लिखा है, वो तालुका का नाम लिखा है, तो ऐसे मेरे पास प्रूफ है। और आई एम द ओनली पर्सन, ये एक रिकॉर्ड पूरे भारत में किसी ने नहीं किया है, कोई बैंक के स्टाफ ने भी नहीं किया है और किसी ने सोचा भी नहीं है कि ये रिकॉर्ड हो सकता है ओनली बाय विजिटिंग। इस पे जो साइन है वो जो है वो फेमस, इस पे जो साइन है वो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, चीफ एडिटर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बॉस आप अगर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉलो करते होंगे और या फ्यूचर में आपको भी लगता कि हम भी कर सकते हैं तो आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जर्नी को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज, अपने रिकॉर्ड्स डाले हैं उस पर, तो उसमें से ही डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, ये वहाँ के चीफ एडिटर हैं और उन्होंने इस पर साइन किया है। तो ये कोई ऐसा फेक वगैरह नहीं, ये पूरा जेन्युइन रिकॉर्ड है। पूरे इंडिया में इन्होंने 290 रूरल बैंक्स पुणे डिस्ट्रिक्ट के विजिट किए हैं और ये मार्च 2nd 2021 को पूरा रजिस्टर हो चुका है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अलावा और क्या क्या है इसमें विशाल जी, ये देखिए, ये एक ब्रांडेड और बहुत ही रॉयल पेन है, थोड़ा करीब जाके जिसपे लिखा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत ही रॉयल और हेवी और बहुत ही शानदार ये पेन है। ये पेन आपको मिलता है, उसके बाद सिर्फ ये दिखाइए आईडी कार्ड है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिलता है आपको, ये देखिए, जिसपे आपका फोटो होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा किसी का रिकॉर्ड है, ये ऐसा कुछ नहीं, इनका ही फोटो है, इनका ही नाम है, सब कुछ इनका है। और ये कार पे लगाने के लिए एक स्टिकर मिलता है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का लोगो है। सोसाइटी में आपकी एक थोड़ी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है पूरे इस सिर्फ स्टिकर को लगा के।
और ये एक ऐसे सेरेमनी का फोटो है और सर्टिफिकेट है। ये देखिए, ये अगर समझे आपके कार पे ये लग गया तो आपकी रेस्पेक्ट लोगों के दिमाग में कितनी बढ़ जाती है कि भाई हमारे सामने कोई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है यहाँ पे आया हुआ, तो एक रेस्पेक्ट की बात है ये। तो इस तरह से ये सब आपके पास आ जाता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये विशाल जी के पास आया था, एक बुक, एक सर्टिफिकेट और ये सब रिच क्वालिटी के पेन, एक बैज और ये एक आईडी कार्ड और ये सबसे बढ़िया ये मेडल। तो एक रेस्पेक्ट की बात होती है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज होना। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड के लिए आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े ये भी हम जान लेंगे विशाल जी से। मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ, अब विशाल जी आपसे बात करेंगे वन टू वन। चैलेंजेस कैसे है? नहीं, इसमें चैलेंजेस है ट्रैवलिंग, क्योंकि बहुत मुझे ट्रैवल करना पड़ा। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक किलोमीटर का मेरा ट्रैवल हुआ है और जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया वो छोटे छोटे गांव थे जहाँ का रास्ता भी अच्छा नहीं था। रूरल एरिया के रास्ते अच्छे नहीं रहते तो रास्ते खराब रहते, फिर लॉन्ग ड्राइव करना पड़ता है पहुँचना है। तो लगभग ऐसे ऐसे मुझे चैलेंज आए जहाँ विजिट करते समय। और ये ट्रैवल करते समय मेरे कार का लगभग 1 लाख+ किलोमीटर का ट्रैवल हुआ है। ट्रैवलिंग तो हुआ है, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग से ये रिकॉर्ड बन सकता था? नहीं ना, नहीं, ट्रैवलिंग से तो रिकॉर्ड नहीं बनता था, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी चाहिए था, आपको पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए थी, क्योंकि कुछ अलग करने का, जो मैंने कहा था समथिंग डिफरेंट, जब मुझे समझ में आया कि ये रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी लगती है, मोटिवेशन लगता है, सेल्फ मोटिवेशन लगता है, हाँ मुझे जाने का है, वहाँ पहुँचने का है और मैक्सिमम एरिया कवर करने का है। अच्छा, रिकॉर्ड में ऐसा लिखा गया है कि विजिटेड, मैक्सिमम विजिटेड, विजिट करने के दौरान आप करते क्या थे वहाँ पे? तो काम का भी सिलसिला होता था और विजिट करने के बाद मैं वो जहाँ विजिट करता था वहाँ के प्रूफ के लिए फ़ोटो निकालता था, क्योंकि विजिट करके कोई भी बोल सकता है, तो आई हैव ऑल प्रूफ्स कि मैंने यह जगह यह बैंक में विजिट की है। तो मैं सेल्स में हूँ तो सेल्स में मुझे विजिट करनी पड़ती थी मेरे काम के सिलसिले में, तो सेल्स जॉब में तो सबको पता है घूमना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है, तो ये बैंक विजिट करना भी मेरा एक यही था मोटिव था। पूछे मोटिव ये भी था कि हाँ, आपको आपका एक मतलब प्रोफेशन भी है। हाँ हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है यह एरिया सेल्स मैनेजर हूँ और सेल्स में हूँ, तो मुझे विजिट करना पड़ता था। विशाल जी, फ्यूचर में और कुछ रिकॉर्ड्स? मैंने यही सेम रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया है, अभी वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका उस पर स्टडी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैंने प्रोसेस तो पूरी की दोनों की। अच्छा, थोड़ी प्रोसेस के बारे में बताइए कि अगर किसी को लगता है कि मैंने, हाँ मेरे से ऐसा एक कोई रिकॉर्ड हुआ है, तो अप्लाई कैसे करने का? ऑनलाइन जाने का, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे साइट पे, वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, फिर अपने जो किया है उसके प्रूफ वहाँ सबमिट करने पड़ते हैं, फिर उनका मेल पे कंफर्मेशन आता है, उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, फिर उनकी एक टीम रहती है, रिसर्च टीम रहती है जो ऑडिट करती है, पूरा वेरीफाइड करती है, तो दिस इज ऑल ऑनलाइन प्रोसेस। ओके, तो आपने और कौन कौन से यहाँ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया है? इसके लिए मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया है, गिनीज बुक ऑफ गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या ये रिकॉर्ड बनाना आसान है, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाना? या नहीं, आसान नहीं है, लेकिन आपको विल पावर चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। तो आम पब्लिक में से ऐसे लोग ही बना सकते हैं कि जो थोड़ा अलग सोचते, समथिंग डिफरेंट, जिनको करने की ये जो चाहते हैं कि रेगुलर लाइफ से कुछ हटके हो। तो रिकॉर्ड बनने से पहले और रिकॉर्ड के बाद कुछ लोगों की नज़र में रेस्पेक्ट बड़ा है, ऐसा कुछ चेंज, समथिंग चेंज पड़ता है जिनको मालूम पड़ता है, या कंपनी में भी जो हमारे सीईओ सीडीओ रहते हैं, मेरे जो बॉसेस रहते हैं ये भी खुश होते हैं, अपने दोस्त परिवार खुश होते हैं, सबसे घर वाले खुश होते हैं।
क्योंकि घर वालों का सपोर्ट ज्यादा रहता है, दोस्त लोग होते हैं, टीम के लोग जो रहते हैं वो खुश रहते हैं, सबका सब टीम होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि विशाल जी का कैसा रिकॉर्ड इंडिया बुक में दर्ज हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी आपने देखी, उसके बाद उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए इस रिकॉर्ड के लिए वो भी आपने सुने, और आपको अगर ऐसा रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी आपने विशाल जी से अभी सुना। तो अगर आपकी इच्छा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से गिनीज बुक में जाने की तो ज़रूर जा सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, सिर्फ आपको दुनिया से अलग कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए जो करना चाहता है उसके लिए तो द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ, स्काई इज़ लिमिट भी बोल सकते हैं। तो मेरी तरफ से विशाल जी को तो बहुत बहुत आगे के फ्यूचर में आपका गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो इसके लिए शुभकामनाएं, और इसके साथ विशाल जी को दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि दिवाली का पीरियड चालू है, शुरू है। तो विशाल जी आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब देखते रहिए नासिक कर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये भी बताना चाहूँगा कि विशाल जी का भी एक चैनल है जिसका नाम है काटेगिरी ब्लॉग, आप उस पर जाके उनके जो व्लॉग्स होते हैं वो भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनके व्लॉग्स भी देख सकते हैं, तो विजिट ज़रूर कीजिए, उनका चैनल का नाम है काटेगिरी व्लॉग। और तो इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है विशाल जी से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन थी हमने ली आप तक पहुँचाई, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए, वीडियो पे आए, और हमें ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।